ऊंचाई से देखने पर लाखों चमचमाती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं, लेकिन इंडिया के वेस्टर्न रीजन में कुछ डार्क पैचेस दिखते हैं। इन इलाकों में रोशनी सिर्फ नेचर से आती है। उगता सूरज इस इलाके पर रोशनी डालता है। थार डेजर्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2,00,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के इलाके में फैला हुआ है, जो करीब करीब ग्रेट ब्रिटेन के साइज के बराबर है। इसका 85% हिस्सा इंडिया में पड़ता है और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में। इंडिया में थार सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक फैला हुआ है। ईस्ट में इस रेगिस्तान को रोकती है दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक, अरावली। साउथ में यह रन ऑफ कच्छ में जाकर खत्म होता है, जो दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट फ्लैट्स में से एक है। इस सूखे बंजर इलाके में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद यहां बड़े बड़े शहर हैं। थार दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट भी है। पिछले 2000 से भी ज्यादा सालों से यह इलाका बहुत बड़े ट्रेड रूट नेटवर्क का हिस्सा है, जो इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और चाइना को जोड़ता है। इस रूट पर आने वाले शहरों को जीतने वाले वॉरलॉर्ड्स यहां के महाराजा बन गए। जोधपुर को थार का गेटवे कहा जाता है। गर्मी के शुरुआती दिनों में सुबह सुबह आने वाली सूरज की रोशनी इस ब्लू सिटी को और खूबसूरत बना देती है। इस मेडिवल सिटी के ब्राह्मण और पुजारियों ने अपने घरों को सबसे अलग दिखाने के लिए नीले रंग में रंग दिया था। शहर के ऊपर नजर रखता हुआ पहाड़ी पर खड़ा है यह मेहरानगढ़ फोर्ट। इस किले को मारवाड़ स्टेट के राठौर राजाओं के रहने के लिए बनाया गया था। यह दुनिया के सबसे शानदार किलों में से एक है। यह फोर्ट इतना ड्रामेटिक है कि यहां बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे बैटमैन जैसी सुपरहिट फिल्म। लेकिन मेहरानगढ़ हिल हमेशा से ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट्स ने यह प्रूव किया है कि ये कभी बहुत बड़े वॉल्केनो का हिस्सा हुआ करता था, जिसके इरप्शन की वजह से सुपरहीटेड ऐश आसमान में बादलों की तरह छा गई और जब वो ऐश जमीन पर आई तो जमकर रॉक में बदल गई। इस इनक्रेडिबल इवेंट की याद में मेहरानगढ़ हिल को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया है। लेकिन उस वॉल्केनो इरप्शन के बाद भी काफी कुछ हुआ। अगर आप टाइम को करोड़ों साल पहले ले जाएंगे तो पता चलेगा कि इंडिया आज जहां मौजूद है उससे बहुत ज्यादा साउथ की तरफ हुआ करता था। पिछले करोड़ों सालों में यह लैंड नॉर्थ ईस्ट में यूरेशिया की तरफ खिसकी। जब इसका निचला हिस्सा यूरेशियन प्लेट के निचले हिस्से से टकराया तो वो ऊपर की तरफ उठा। फिर इस ऊपरी इलाके से नीचे की तरफ आती हुई नदियां उस इलाके में बहने लगी जिसे हम थार कहते हैं। लेकिन लैंड मैस अब भी ऊपर उठ रहा था। जो नदियां कभी वेस्टर्न राजस्थान से होकर बहती थीं, अब अपनी दिशा बदल रही थीं। पानी के बिना यह इलाका डेजर्ट में बदल गया। लेकिन बहुत से लोग इस मेहरानगढ़ हिल से जुड़ी हुई माइथोलॉजिकल स्टोरी पर विश्वास करते हैं। वो इसे भाकुर चिड़िया या चिड़ियों वाली पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक महान संत यहां कभी मेडिटेट किया करते थे। उन्हें चिड़ियानाथ बाबा के नाम से जाना जाता था, यानी चिड़ियों वाले बाबा।
लेकिन जोधपुर के पहले राजा ने अपना नया महल बनवाने के लिए इसी पहाड़ी को चुना। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर बाबा को वहां से जाने के लिए कहा। बाबा ने गुस्से में आकर राजा के सिपाहियों को श्राप दिया कि उनके राज्य में हमेशा पानी की कमी रहेगी। आज जोधपुर और उसके आसपास का इलाका थार डेजर्ट में आता है, जहां पानी की हमेशा कमी रहती है। लेकिन शहर के पहले महाराजा राव जोधा और उनके डिसेंडेंट्स ने श्राप के असर को कम करने के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने बहुत से रेन वाटर टैंक्स बनवाए। इंटरकनेक्टेड वाटरवर्क से शहर के निचले हिस्से को पानी मिलने लगा। गर्मी के दिनों में बच्चे शहर की गलियों में दौड़ते हुए दिखते हैं। इनकी मंजिल है 16th सेंचुरी का बना हुआ स्टेप वेल, जिसे तुर्जी का झालरा कहा जाता है। लेकिन यह स्टेप वेल कई सालों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, जिससे यह बर्बाद हो गया। हाल ही में इसे वहां के एक एंटरप्रेन्योर और होटेलियर की मदद से रेस्टोर किया गया है। जैसे जैसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाते गए, वैसे वैसे पानी स्टोर करने के लिए बनाए गए सभी ट्रेडिशनल सिस्टम्स को भूलते गए, जिससे वो चीजें खत्म होती गईं। आज लोगों तक पाइप से पानी पहुंच रहा है, पर लोगों के लिए पानी की वैल्यू कुछ भी नहीं रही। जब हमने इसकी सफाई शुरू की तो ये पूरा स्टेपवेल पानी के अंदर था और लोग इसका यूज घर का कचरा फेंकने के लिए करने लगे थे। एक पूरी जनरेशन ने तो इसे देखा ही नहीं। तो जब हमने यहाँ की लोकल कम्युनिटी, खासकर यंगस्टर्स के साथ मिलकर इसका गंदा पानी बाहर निकाला और इसकी सफाई की, जिसमें यहाँ की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो हमारे सामने एक पूरी जनरेशन के लोग थे जो आर्किटेक्चर के इस ब्यूटीफुल पीस को देखकर काफ़ी सरप्राइज थे। स्टेप वेल, जिसे बावड़ी भी कहते हैं, उसमें आसपास के इलाके का अंडरग्राउंड वाटर भरा रहता है। फिल्टर होकर आया हुआ पानी मीठा और पीने लायक होता है। सैकड़ों सालों तक ये वेल्स गेस्ट हाउस की तरह लोगों के रुकने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जहां ठंडे कमरे बने होते थे और जिनमें पानी से काफी ऊंचाई पर कपोलास भी बनाए जाते थे। ये बच्चों की भी पसंदीदा जगह बन गया। आज पानी की कोई कमी नहीं है और इसके साथ ही चिड़िया वाले बाबा के श्राप को भी भुला दिया गया है। मेहरानगढ़ फोर्ट में चिड़िया वाले बाबा की कहानी को अब सिर्फ चिड़ियों में ही देखा जा सकता है। ब्लैक काइट्स यहां इतने पहले से हैं कि उन्हें रॉयल जोधपुर फ्लैग में भी जगह दी गई थी। आज ये बर्ड्स यहां शिकार की तलाश में नहीं है, बल्कि उस आदमी की तलाश में है जो इनका दोस्त है। चिड़िया वाले बाबा भले ही कहानी का हिस्सा बन गए हो, लेकिन उनकी जगह आज लतीफ कुरैशी को मेहरानगढ़ के नए बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। वो जैसे ही अपने छोटे भाई के साथ पहाड़ी की तरफ चढ़ते हैं, वहां सैकड़ों की तादाद में ब्लैक काइट्स जमा हो जाती हैं। ये इन शिकारी बर्ड्स के खाने का टाइम है। कुरैशी अपने खानदान की उस पीढ़ी का हिस्सा है जो जोधपुर के भूतपूर्व राजाओं की तरफ से दी गई इस जिम्मेदारी को निभाता चला आ रहा है। ये एक अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बर्ड्स मेहरानगढ़ की लोक कथाओं का हिस्सा हैं। लेकिन मेहरानगढ़ में ब्लैक काइट्स के अलावा और भी बहुत सी बर्ड्स हैं। ब्लैक काइट जैसी बड़ी शिकारी चिड़िया के मुकाबले ये बर्ड्स तिनके जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन ये बहुत ही खास हैं। इन्हें स्विफ्ट्स कहा जाता है और इसकी वजह है कि ये बहुत तेज हैं। स्विफ्ट की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं
जिनके बारे में ये माना जाता है कि उनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है, यानी चीता से भी तेज। पेरेग्रीन फॉल्कन को आमतौर पर सबसे तेज चिड़िया माना जाता है और इन्हें इनकी मैक्सिमम स्पीड मिलती है डाइविंग के वक्त, जब इनकी स्पीड में ग्रेविटी भी जुड़ जाती है, जबकि स्विफ्ट्स को अपनी स्पीड मिलती है अपने विंग पावर से। ये देखने के लिए कि वो इतनी तेज कैसे उड़ती हैं, हमें इनको स्लो मोशन में देखना होगा। इनके लॉन्ग कर्व विंग से इनकी छोटी सी बॉडी को पावर मिलती है, जिसकी लंबाई 5 इंच और वजन 25 ग्राम होता है, यानी लगभग 1 चम्मच नमक के बराबर। लेकिन स्विफ्ट के लेग्स बहुत वीक होते हैं, ये दूसरी बर्ड्स की तरह जमीन पर आकर टेक ऑफ नहीं कर सकती, इसलिए ये अक्सर उड़ती रहती हैं। ये खाते पीते सोते और कई बार तो मेटिंग के वक्त भी उड़ती रहती हैं। वो अपने घोंसलों में जाने के लिए ही नीचे आती हैं, जो उन्होंने किले के कपोलास के अंदर बनाए होते हैं। ये घोंसले दूसरी बर्ड्स के फेदर्स को सलाइवा से जोड़कर बनाए जाते हैं। जब बर्ड को खाने की तलाश में बाहर जाना होता है तो वो घोंसले से निकलते ही फिर से उड़ने लगती है, क्योंकि स्विफ्ट के लिए अपना घोंसला तो एक टेम्पररी एड्रेस है, उनका असली घर तो आसमान है। बारिश के कई महीने बाद भी थार रेगिस्तान में पानी की कोई कमी नहीं है, और इसी वजह से एशियन कॉन्टिनेंट के तमाम मेहमान यहां आते रहते हैं। सर्दियों के मौसम में डेमोसेल क्रेन्स यहां पहुंचते ही जोर जोर से चिल्ला के अपने आने की खबर देते हैं। ये मंगोलिया और नॉर्थ ईस्ट चाइना जैसी दूर जगहों से माइग्रेट करके यहां आते हैं और कई बार 4,000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करते हैं। इन बर्ड्स को नेचुरल वर्ल्ड का ऐसा एथलीट कहा जा सकता है जिनमें सबसे ज्यादा सहन शक्ति होती है। ये इंडिया की तरफ आने का सीधा रूट पकड़ते हैं, चाहे इसके लिए हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियों को ही क्यों ना पार करना हो। इसके लिए इन्हें 26,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ना पड़ता है, यानी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 3,000 फीट नीचे। इतने मुश्किल माइग्रेशन के लिए इन्हें काफी लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है, यहां तक कि ये सो भी नहीं पाते। आज ये इस तालाब के किनारे जमा हुए हैं। थार में माइग्रेट होकर आई ये डेमोसेल क्रेन्स हजारों का झुंड बनाकर रहती हैं। एक और विंटर माइग्रेंट स्टेप ईगल तालाब पर नजर रखे हुए है। आमतौर पर तो ये छोटी चिड़ियों का शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें क्रेन्स पर भी अटैक करते हुए देखा गया है, लेकिन इस स्टेप ईगल का ये इरादा नहीं है। क्रेन्स झुंड में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा सावधान रहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान शिकारियों से भरा पड़ा है। ये प्यासे हैं, लेकिन पहला कदम कौन आगे बढ़ाएगा? एक बहादुर क्रेन सबसे पहले आगे बढ़ता है। लीडर मिलते ही बाकी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अगले कुछ महीनों के लिए ये पानी इनकी जिंदगी है। इंडिया तक आने में इन्हें काफी मुश्किल सफर तय करना पड़ा है। ये जख्मी क्रेन लंगड़ाकर किनारे तक पहुंचता है। हाई टेंशन केबल्स, शिकारियों के बुलेट्स और ट्रैप्स जैसे खतरों का सामना भी इन बर्ड्स को करना पड़ता है। ये क्रेन तो लकी था, लेकिन बहुत से नहीं होते।
इन डेमोसिल क्रेन्स को यहाँ कुंज कहा जाता है। हिंदू लोक कथाओं में इन्हें सैकड़ों सालों तक ग्रेस और ब्यूटी का सिंबल माना गया है, लेकिन रेगिस्तान के इन वाटर होल्स पर पानी पीने का हक सिर्फ इनके पास ही नहीं है, काले हिरण का एक झुंड भी यहां पानी पीने आ रहा है। क्रेन की ही तरह इन खूबसूरत काले हिरण का भी हिंदू माइथोलॉजी में जिक्र है। इसे लॉर्ड कृष्णा के रथ को खींचने वाला भी बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये शिकारियों की नजरों से बच नहीं पाते। लगातार शिकार की वजह से इनकी संख्या घटकर कुछ हजार तक ही रह गई है। कभी ये पूरे इंडिया में पाए जाते थे, आज थार उन बचे खुचे इलाकों में से है जहां ये पाए जाते हैं। झुंड में बहुत सी ब्राउन कोटेड फीमेल्स होती हैं, जिनका मुखिया एक ताकतवर मेल होता है। अपने ब्लैक विंटर कोट में इतराता वो सभी फीमेल्स को अपने काबू में रखता है। छोटे मेल्स थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, उन्हें झुंड की फीमेल के साथ मेट करने का हक पाने के लिए लड़ना होगा। लेकिन मुखिया मेल के 2 फीट लंबे सर्पीले सींग लड़ाई में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। टूटी हुई सींग वाला छोटा हिरन बहुत डरा हुआ है। ऐसा लगता है कि लड़ाई के दौरान उसकी ये सींग टूट गई होगी। शाम होते ही काले हिरण खुले मैदानों में चले जाते हैं, जबकि डेमोसिल क्रेन्स अब भी पानी में रुके रहते हैं। अब भी यहां पर खाने की भरमार है। इस वक्त रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थार की गर्मी अभी आई नहीं है। थार के रेगिस्तान में सर्दी से गर्मी का मौसम आते ज्यादा वक्त नहीं लगता। मार्च के महीने में दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके लिए भी जीव अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे। डंग बीटल रेत पर अपने निशान छोड़ते हुए जाती है। इससे पहले कि रेत बहुत ज्यादा गर्म हो, यह अपना सफर पूरा कर लेगी। रोहिडा या डेजर्ट टीक ट्री फूलों से भरा पड़ा है, मानो गर्मी का उसके ऊपर कोई असर ही ना पड़ा हो। इसके फूल यहां रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के लिए फूड सोर्स हैं। दूसरे पेड़ों से भी जीवों को खाना मिलता है। करीब से देखने पर पता चलता है कि पत्तियों के बीच जिंदगी गुनगुना रही है। जहां इंसेक्ट्स होंगे वहां शिकारी भी होंगे। लेकिन शिकारी भी शिकार बन सकता है। एक ग्लॉसी बेली रेसर रेगिस्तान का सर्वे करता है। ये दूसरे सांपों के मुकाबले बहुत छोटा और कम जहरीला होता है और बहुत सतर्क रहता है। ये अपनी फोक टंग के जरिए हवा में होने वाली हलचल से किसी भी मूवमेंट का पता लगा लेता है। एक इंडियन हेजहॉग। हेजहॉग भले ही छोटा और आधे किलो वजन वाला जानवर हो, लेकिन ये इतना फुर्तीला होता है कि आसानी से ग्लॉसी बेलीड रेसर को मारकर खा सकता है। सांप कोई खतरा नहीं लेना चाहता, अपने रेसर नाम के मुताबिक वो वहां से भाग लेता है। लेकिन इस इलाके में पाए जाने वाले एक दूसरे सांप की कहानी कुछ और ही है, जो थार के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, सौ स्केल वाइपर। वाइपर को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि जब यह गुस्से में आता है
तो ये अपने स्केल्स आपस में रगड़ता है जिससे सॉइंग साउंड निकलती है। ये साउंड दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप की तरफ से किए जाने वाले सबसे तेज हमले की चेतावनी होती है। ऐसा जीव जिससे आप दूर ही रहना चाहेंगे। सॉ स्केल वाइपर आमतौर पर लेट इवनिंग या रात में शिकार करता है, लेकिन आज ये दिन में बाहर निकला है। इसने रेत पर साइड वाइंडिंग या साइडवेज मूव करना शुरू कर दिया है। स्लो मोशन फुटेज देखने पर पता चलता है कि साइड वाइंडिंग करते हुए कभी भी इसकी बॉडी के सिर्फ दो पॉइंट्स ही रेत के कांटेक्ट में आते हैं। ये तेज गर्मी से बचने का एक कमाल का तरीका है। लेकिन अब सूरज और रेत दोनों ही बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। सौ स्केल वाइपर खतरनाक होता है और इंसानों से दूर ही रहता है। हमारे लिए यही अच्छा है, क्योंकि इसके काटने से शरीर में हीमोटॉक्सिक वेनम इंजेक्ट होता है, जो तेजी से मसल टिश्यू को ब्रेकडाउन करते हुए दर्दनाक मौत का कारण बनता है। वेस्टर्न थार बहुत बड़ा इलाका है और ईस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बंजर भी। आमतौर पर डेजर्ट उन इलाकों को कहा जाता है जहां साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती है, लेकिन एरिडिटी यानी ड्राइनेस के हिसाब से भी डेजर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। दूसरे शब्दों में ये वो जगह होती हैं जहां इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होता है। इतने कम वेजिटेशन वाले इलाके में जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा होता है वो तेजी से सूख भी जाता है, लेकिन थार में हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 10,000 साल पहले हिमालयास से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां यहां से होकर गुजरती थीं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि सरस्वती नदी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती थी। सरस्वती, इंडस और दूसरी नदियों के किनारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर बसे, लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रही, ये नदियां या तो अपनी दिशा बदलती गईं या पूरी तरह से गायब हो गईं। और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर भी वीरान होते गए। आज वेस्टर्न थार के इलाके में ही इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। घुसपैठियों से बचने के लिए इंडिया ने बॉर्डर पर फेंसिंग की हुई है। राजस्थान में जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर तक है। इसकी सुरक्षा उन महिलाओं और पुरुषों के हाथ में है जो बॉर्डर को गार्ड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स में काम करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बीएसएफ के जवान बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं। गर्मी के आते ही यहां हालात और चैलेंजिंग हो जाते हैं, और इन चैलेंजेस का सामना वो उन तरीकों से करते हैं जो पिछले हजारों सालों से नहीं बदले। दुनिया में सिर्फ बीएसएफ के पास ही कैमल माउंटेड कैवेलरी रेजिमेंट है। ऊंट पर सवार इन सोल्जर्स के साथ शानदार हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिन्होंने अलाइड आर्मीज के साथ दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा लिया था। यह देखना अपने आप में कमाल है कि बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट्स में इन ऊंटों की जगह कितनी अहम है। लगभग 6 करोड़ साल से भी पहले ऊंटों के एंसेस्टर्स का साइज खरगोश के बराबर हुआ करता था। आज ये इवॉल्व होकर विशाल जानवर बन चुका है, जो लगभग 8 फीट लंबा और 700 किलो वजनी हो सकता है। और इस एवोल्यूशन के दौरान इसमें इतने ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं कि ये एक्सट्रीम हीट में भी काफी लंबे समय तक बिना पानी के सरवाइव कर जाता है, जैसे इसे खासकर रेगिस्तान के लिए ही बनाया गया हो। कुछ ही मिनटों के अंदर ऊंट 200 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है।
लेकिन यहाँ इन्हें एक बार में सिर्फ 20 लीटर पानी दिया जाता है, जिसे ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पी जाते हैं। इसके बाद ये घंटों बगैर पानी के चलते रहते हैं। दो सोल्जर्स और उनके किट का वजन 200 किलो से ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऊंट 500 किलो से भी ज्यादा वजन लेकर इस रेगिस्तान में 6 घंटे तक चल सकते हैं। इनके लंबे पैरों की वजह से इनकी बॉडी तपती रेत से काफी ऊपर रहती है। इनके पैर किसी बड़े स्नो शू पैड्स जैसे होते हैं, जो कुशन जैसे मोटे और इंसुलेटेड होते हैं, यानी थार की ढीली रेतीली जमीन पर चलने के लिए परफेक्ट। इस मुश्किल इलाके में गश्त लगाने के लिए बीएसएफ को ऊंटों से काफी मदद मिलती है। बॉर्डर की सुरक्षा दिन रात का काम है। नाइट पेट्रोल्स में फेंस और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाती है। इन सोल्जर्स के पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे ये रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं, लेकिन आज रात कोई घुसपैठिया नहीं दिख रहा, सिर्फ थार रेगिस्तान के कुछ जानवरों की हलचल नजर आ रही है। मई आते आते थार रेगिस्तान तपने लगता है। तापमान का 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना बड़ी आम बात है, लेकिन यह तापमान धूप नहीं, छांव में रिकॉर्ड किए गए हैं। सूरज के नीचे खुले इलाके में बात कुछ और ही होती है। रेगिस्तान की सतह से जैसे आग निकलती है। कुछ जानवर इससे बचने के लिए जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंडरग्राउंड रहने वाले जीव रेत के टीलों के बजाय सख्त जमीन के नीचे रहते हैं। वो खाने की तलाश में तब बाहर आते हैं जब तापमान कम होता है, यानी सुबह या शाम को। एक डेजर्ट जड बाहर आ रहा है। जर्बिल के करीबी रिश्तेदार ये जड शिकारी पक्षियों के लिए परफेक्ट शिकार होते हैं। ये अपने आसपास की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और खतरा महसूस होने पर पानी पीने भी नहीं निकलते। इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से सारा मॉइस्चर उन प्लांट्स से मिल जाता है जिन्हें ये खाते हैं। लेकिन छोटा होने का यह मतलब नहीं कि ये क्यूरियस नहीं होते। इस छुटकू को अपने बिल के बाहर रखे कैमरे में दिलचस्पी है। जल्दी से एक जांच पड़ताल। जाहिर है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंप्रेस नहीं हुआ। अब अंडरग्राउंड रहने वाला एक दूसरा जानवर बाहर आता है, स्पाइनी टेल लिजर्ड। ये डायनासोर्स के टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। इस हर्बीवोरस रेप्टाइल को यह नाम इसके ब्लूइश ग्रे टेल की वजह से मिला है, जहां यह अपना ज्यादातर बॉडी फैट स्टोर करता है। लेकिन इस टेल की वजह से ही ये खत्म होते जा रहे हैं। इनका बेरहमी से शिकार किया जाता है। यहां रहने वालों को लगता है कि इसकी टेल से निकले हुए ऑयल में एफ्रोडीजियाकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वेस्ट में और भी आगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं, और यहां भी ऊंट बीएसएफ का सबसे बड़ा साथी है। लेकिन साथ साथ 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी भी चलती है, तेज, बहुत तेज। थार रेगिस्तान में फैले हुए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ज्यादातर हिस्से में सिर्फ रेत है। इंडस और सरस्वती जैसी नदियां हजारों साल पहले इस इलाके से गायब हो चुकी हैं।
ऐसे जैसे इन नदियों का यहां कभी कोई नामो निशानी ना रहा हो। लेकिन ये सोल्जर्स ऐसे इलाके में जा रहे हैं जो कुछ और ही कहानी बयान करता है। साउथ वेस्टर्न जैसलमेर में पड़ने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक वैली है जो जबरदस्त गर्मी के मौसम में भी पूरी हरी भरी रहती है। रेत के इन टीलों के बीच ये हरियाली पानी की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन पानी है कहां? ये पता लगाने के लिए बीएसएफ सोल्जर्स खुदाई करते हैं। कुछ ही इंच की खुदाई करने पर काली मिट्टी नजर आती है जो थोड़ी गीली है। सिर्फ 2 फीट नीचे पानी मिल जाता है। थार के सबसे सूखे इलाके में होने के बावजूद इस वैली में पानी की भरमार है और वो भी रेतीली सतह के ठीक नीचे। यहां के लोगों का मानना है कि ये गायब हो चुकी नदियों में से एक है, समय की रेत में दब चुकी नदी। कुछ ही दूर ईस्ट की तरफ जाने पर वो इलाका पड़ता है जो थोड़ा कम बंजर है, लेकिन वहां की जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेगिस्तान की सतह मिनरल से इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि वहां पेड़ों का उगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल हो या आसान, पेड़ अपने बढ़ने का रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। इनफैक्ट इस जमीन पर ऐसा पेड़ उगा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कहा जाता है। एनवायरमेंटलिस्ट और नेचुरलिस्ट प्रदीप कृष्ण रेगिस्तान के इस पेड़ पर रिसर्च कर रहे हैं। रेगिस्तान सिर्फ पानी की कमी की वजह से रहने के लिए मुश्किल जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कई जगह आयरन, सॉल्ट, पोटेशियम जैसे मिनरल्स इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। इंद्रोख नाम का एक पेड़ है जो मिनरल्स की वजह से सख्त बन चुके इस इलाके में अपने बीज को पेड़ बनाने की जिद पर अड़ जाता है। वो जानता है कि कई जगह उसका पेड़ बनकर बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो अपने रनर्स को अंडरग्राउंड फैलाता है और जिस जगह जमीन की सतह थोड़ी कम सख्त होती है वहाँ से पेड़ बनकर बाहर निकल आता है, जिससे नए पेड़ उगते हैं जो दरअसल उसके ही एक्सटेंशन होते हैं। इंद्रोक रेगिस्तान के ग्रेटेस्ट सर्वाइवर्स में से एक है। इसके रूट्स फैलकर खुद ब खुद इसके क्लोन्स तैयार कर देते हैं। ये अपने क्लोन से एक पूरा जंगल तैयार कर सकता है, लेकिन फिर भी रहता है एक ही पेड़। और आखिर में आपको मिलता है एक सुपर ऑर्गेनिज्म, एक जायंट ऑर्गेनिज्म। तो जब लोग पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो ब्लू वेल या सिकोया ट्री नहीं है, बल्कि क्लोनल फॉरेस्ट्स हैं जिनके साइज का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यहां के लोगों ने भी इस पेड़ की तरह मुश्किल हालात में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। थार के गांव रहने के लिए बहुत मुश्किल जगह हैं, और गर्मियों में यह मुश्किल और बढ़ जाती है। लेकिन रेगिस्तान में रहने वाले सभी जीव खुद को इसके हिसाब से ढाल लेते हैं। पानी लाने के लिए औरतों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए पानी इनके लिए बहुत कीमती हो जाता है। ये लेडी खाने के बाद बर्तन धो रही है। यहां बर्तन धोने में पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि यह काम रेत से किया जा रहा है। गांव का आर्किटेक्चर यहां की कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है। हार्ड पैक्ड मड वॉल्स हीट के लिए इंसुलेशन का काम करती हैं। यहां के रहन सहन में हजारों सालों से कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन पास के शहर में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। थार के बीचों बीच पहाड़ी के ऊपर बना है जैसलमेर का किला। भाटी राजपूतों द्वारा बनाए गए जैसलमेर के किले को आर्किटेक्चरल मार्वल कहा जाता है, और इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसे 1156 एडी में बनाया गया था, और ऐसी मुश्किल कंडीशंस में इसे बनाने के लिए कम से कम पानी और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था, और इसे बनाने में जो टेक्निक्स यूज हुई थी आज वो यूज नहीं हो सकती। इसके अंदर जाना इतिहास में जाने जैसा है।
यहाँ के रेगिस्तान में मिलने वाले सैंडस्टोन से तैयार इस किले को गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। उन दिनों इस इलाके में सिर्फ यही एक पत्थर मिलता था और इसके जो बड़े बड़े सिंगल पीसेस हुआ करते थे उन्हें ऊँटों की मदद से पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाता था। ये सोचकर ही बहुत हैरानी होती है कि उस वक्त उन लोगों ने किस तरह से इस काम को पूरा किया होगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ आज भी लोग रहते हैं। इसके अंदर बहुत से परिवार कई पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। 1947 में आजादी के वक्त जैसलमेर की पॉपुलेशन 30,000 से भी कम थी, लेकिन आज 5,00,000 से भी ज्यादा है। जनसंख्या में आए इस एक्सप्लोजन की वजह से किले पर भी असर पड़ा है, लेकिन बढ़ती आबादी को अगर एक तरफ रख दें तो एक चीज और है जिसमें पहले और आज के वक्त में बहुत बड़ा अंतर आया है, और वो है पानी। आज हर घर में पानी का कनेक्शन तो है, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्लांट नहीं है। आज जैसलमेर की प्रॉब्लम है जरूरत से ज्यादा पानी। बेसिकली वाटर आउटलेट्स को डेवलप किए बिना ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई थी। पानी से लोग भले ही खुश हों, लेकिन किले के पत्थरों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पानी सीप होकर किले की फाउंडेशन तक जा रहा है और धीरे धीरे उसे कमजोर करता जा रहा है। उस समय के ड्रेनेज इतनी ज्यादा मात्रा में पानी के लिए तैयार नहीं किए गए थे। आज सिविक एजेंसीज यहाँ मॉडर्न पाइपलाइंस बिछा रही हैं, लेकिन फाउंडेशन को पहले ही काफी नुकसान पहुंच चुका है। इस शानदार रेगिस्तानी किले को 1000 सालों तक कोई नहीं हरा सका। चाहे वो दुश्मनों का हमला हो, खूनी जंग हो, अकाल हो या भूकंप, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा पानी इस नेशनल हेरिटेज के लिए खतरा बन गया है। मिड जुलाई तक इंडिया के ज्यादातर हिस्से को मॉनसून की सालाना बारिश से राहत मिल चुकी होती है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान इतना लकी नहीं है। थार का रेगिस्तान इंडिया में आने वाले मॉनसून की जर्नी का लास्ट स्टॉप है और यह अब तक यहां नहीं पहुंचा। इस दौरान यहां रहने वाले दिन में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक की तपती गर्मी बर्दाश्त करते आ रहे हैं पिछले 4 महीने से भी ज्यादा वक्त से। यहां के पालतू जानवरों को सिर्फ मैनमेड वाटर होल्स के जरिए ही पानी मिल पाता है। ब्लू चीक बी ईटर्स का एक ग्रुप अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। बल्कि पानी में डुबकी लगाकर अपने बॉडी टेम्परेचर को कम कर रही हैं। ये सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है और जुलाई का महीना खत्म होते होते यहां रहने वाले गर्मी से अपना ध्यान भटकाने के लिए मनोरंजन का सहारा लेते हैं। मंगनियार्स, जो यहां की एक फोक म्यूजिशियंस कम्युनिटी है, रेगिस्तान को बहुत करीब से पहचानते हैं। इनके गानों में इस इलाके की हिस्ट्री छुपी है, जिनमें यहाँ के राजाओं और योद्धाओं की बहादुरी के किस्से होते हैं। सैकड़ों सालों से ये थार के लोगों के लिए म्यूजिकल स्टोरी टेलर्स का काम करते आ रहे हैं। ये ग्रुप भले ही थार के रिमोटेस्ट विलेज में रहता हो, लेकिन ये है बहुत फेमस। इन्होंने दुनिया के कई देशों में अपने प्रोग्राम्स किए हैं और न्यूयॉर्क से टोक्यो तक अपनी गायकी की कला की वजह से ये दुनिया में इतनी जगह घूम चुके हैं जितना कि एक एवरेज ट्रैवलर भी नहीं घूमता। अगस्त आते आते थार में हवा चलनी शुरू हो जाती है। आखिरकार मॉनसून पहुंच ही गया,
लेकिन शुरुआत में कोई बारिश नहीं है। ऐसे में यहाँ अंधड़ आते हैं जो खतरनाक रेगिस्तानी तूफान होते हैं। कई दिनों तक आने वाले रेतीले तूफानों के बाद नेचर का मिजाज ठंडा होता है। बारिश जो कुछ ही दिन होती है लेकिन इतनी काफी है। प्यासा रेगिस्तान इसे पीता है और फिर से तरोताजा हो जाता है। इस अनोखी जमीन पर सीजनल साइकिल की फिर से शुरुआत होती है, जहां मुश्किलों के साथ साथ चीजों की भरमार है। एक तरफ बड़े शहर और दूसरी तरफ वीरानी है। थार दुनिया के सबसे बड़े बायोस्फीयर्स में से एक।